दीपोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के बाद 14 कोसी व पंचकोशी परिक्रमा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन जुट गया है। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और डीएम चंद्र विजय सिंह ने टीम के साथ परिक्रमा पथ का निरीक्षण किया। इस समय 14 कोसी व पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। परिक्रमा पथ पर बालू डालकर मार्ग को सुगम व सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए गए थे। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली परिक्रमा है। इस परिक्रमा में उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। देखिए, क्योंकि 9 तारीख से परिक्रमा स्टार्ट है, 9 से 12 तक चलेगा, 14 कोसी पंचकोसी, और उसको देखते हुए टाइम कम है। इससे पहले भी हम लोग लगातार जो है क्षेत्र का भ्रमण करके, इस रूट का भ्रमण करके इंश्योर कर रहे हैं कि जो परिक्रमा रूट है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। उसमें कहीं भी अगर गड्ढे हैं या किसी भी जो श्रद्धालु हैं उनको चलने में कहीं भी दिक्कत वाला पॉइंट है तो उसको सही कर लिया जाए समय रहते। और PWD CD3 की टीम, चीफ इंजीनियर साहब वगैरह सब लोग हमारे साथ में हैं। पहले भी ये लोग भ्रमण कर रहे हैं, आज विधायक जी के साथ में जो हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं किन किन पॉइंट्स पे क्या क्या व्यवस्थाएं जो है उनको अभी सही करने की ज़रूरत है, कहाँ पे नगर निगम को काम करना है और कहाँ पे हेल्थ कैंप से लेके नगर निगम और बिजली विभाग को काम करना है, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं। और क्योंकि भीड़ की संभावना ज़्यादा है इस बार, तो निश्चित रूप से इस परिक्रमा, ये जो है वो चैलेंज है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उसको हम और अच्छे से करा लें। तो इसी चीज़ को लेके जो है वो लगातार अधिकारी जो हैं वो भ्रमणशील हैं और कार्य संस्था जो है उनको भी बोला गया है कि इसको समय रहते सारी चीज़ें कर लें। पंचकोसी में भी कुछ पार्ट ऐसा था जिसमें अभी जल निगम ने अपना काम किया था जिसकी वजह से कुछ डिले हुआ, हालांकि अब उनका काम रोक दिया गया है या पूरा हो गया है, तो उसको भी जो स्तर पर लगते हुए जो हमारा PWD CD4 है प्रांतिकंड और सब लोग मिलके जो है वो उस रूट को और बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं।